मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में ग्यारसपुर बीआरसी ने किया औचक निरीक्षण। जनपद ग्यारसपुर के अंतर्गत आने वाली शासकीय प्राथमिक शाला हिम्मतपुर में आज बीआरसी शर्मा ने स्कूलों में चल रही बच्चों की पढ़ाई, मध्याह्न भोजन, डेली रूटीन की उनकी जो गतिविधि है, होमवर्क, ड्रेस, खेलकूद सभी चेक किए। स्कूलों में उपस्थिति रजिस्टर चेक किया गया। इसमें 60 बच्चों के एडमिशन है एवं 50% ही बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं। उसका कारण है कि यह पूरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र, जहां बच्चों के माता पिता मजदूरी के लिए बाहर पलायन करते हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी पलायन कर जाते हैं, जिसके कारण बच्चे स्कूल में कम दिखाई देते हैं। फिर भी वहां की जो शिक्षक है, उनकी मेहनत से और उनके माता पिता को समझा कर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है एवं बीआरसी को सारी व्यवस्थाएं स्कूल की पुख्ता मिली एवं इसी प्रकार से बीआरसी अपने क्षेत्र के औचक निरीक्षण रेगुलर कर रहे हैं, जिसे सभी टीचर अधिकतर स्कूलों में बराबर समय से पहुंच रहे हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। शासन स्तर से हम लोगों को प्रतिदिन स्कूलों का निरीक्षण करना होता है और उनमें जो कमियां होती हैं उनके सुधार के लिए हर संभव हम प्रयास करते हैं, और जहां कमियां दिखती हैं उनको सुधारने के लिए उनको निर्देश भी दिए जाते हैं। क्योंकि आज प्राथमिक शाला हिम्मतपुर का मैंने निरीक्षण किया, निरीक्षण में तीनों शिक्षक उपस्थित पाए गए, बच्चों की वर्कबुक देखी, वर्कबुक जची मिली, जो निर्देश हैं टैकर पंजी भी थी वहाँ पे, कुल मिलाकर समूह द्वारा शैक्षणिक कार्य की स्थिति भी पाई गई, मध्याह्न भोजन वितरण हो रहा है, मध्याह्न भोजन क्या है, शाला भवन जीर्ण शीर्ण हो गई है, डिसमेंटल की कार्रवाई शासन स्तर से हो गई है और अब यहाँ नवीन भवन स्वीकृत भी हो गया है, शीघ्र ही बारिश समाप्त होने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। तो अभी बैठने के लिए बच्चों के लिए व्यवस्था जो पर्याप्त भवन है वो कम पड़ रहा है, और यहाँ की एक बहुत महजी परेशानी है कि यहाँ के बच्चे अभिभावकों के साथ पलायन कर जाते हैं, इसलिए उपस्थिति यहाँ कम रहती है। और अब ये दिन आ रहे हैं, बच्चे मजदूरी के लिए चले जाते हैं, ईंटों भट्टों के काम के लिए चले जाते हैं, कहीं अभी बरसात के समय में उनके धान रोपण के लिए उनके अभिभावक बच्चों को ले जाते हैं, इसलिए इस स्कूल में कई बार उनके पालकों से संपर्क भी किया, मगर चूंकि वो गरीब हैं मानते नहीं हैं और चले जाते हैं। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि मध्याह्न भोजन भी दिया जा रहा है, गणवेश भी दी जा रही है, पुस्तक भी दिया, जो सुविधाएं शासन द्वारा मिलती हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाती हैं, मगर उनके अभिभावकों के साथ बच्चे मजदूरी के लिए बाहर चले जाते हैं, ये स्कूल की परेशानी है। फिर भी उनके पालकों से बार बार संपर्क कर रहे हैं और कोई सुधार की स्थिति निर्मित होगी तो मतलब माना जाए कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ ठीक हैं। प्राय जो मैंने देखा है, जो निर्देश दिए हैं उनके अनुरूप तीनों शिक्षण काम कर रहे हैं, कोई ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई। एक जो बस उपस्थिति की बात थी तो मैंने उनसे निर्देश दिए हैं कि प्रतिदिन जाएं, जो अभिभावक वर्तमान में गांव में हैं कम से कम उनके बच्चे तो नियमित शाला में आ जाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के विदिशा